अस्पताल के डॉक्टरों ने ली वेटलिफ्टर खिलाड़ी की जान, परिजनों का आरोप, शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई। तीन महीने से उसके बाद अभिजीत बांगर के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई खाली आश्वासन देता है जब भी उनके पास जाते हैं, हाँ फलाने क्या हुआ, ढिगड़ा क्या हुआ, ऐसा करके हमको बोलता है, बोले वो कमेटी बिठाएंगे डॉक्टर के, तो कमेटी से हमको क्या हासिल होने वाला, मेरी बेटी की भरपाई कैसे होगी। कोई नगर सेवक की बेटी रहती तो ऐसा हाल करता था अस्पताल वाला। तो साई प्रसाद खेरा दे, जो मेरी बेटी को जहर का इंजेक्शन दिया है, इनके ऊपर स्टिक ये होना चाहिए, इनका लाइसेंस जब्त करे और वो नौकरी से उसको निकाल दे। जी हाँ, यह मामला उस वेट लिफ्टर अनीता का है जो लोकल से नेशनल तक कईयों मेडल जीत चुकी थी, जो देश के लिए खेलना चाहती थी और हिंदुस्तान के लिए मेडल लाना चाहती, लेकिन डीवाई पाटिल और सिवड़ी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उसकी जिंदगी और सपनों को चूर चूर कर दिया। यह आरोप अनीता के परिजनों के हैं, जिसे 9 सितंबर को सामान्य तकलीफ के बाद नेरुल के इसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। परिजनों की माने तो अस्पताल के डॉक्टरों ने कोरोना से लेकर कई बीमारियों का इलाज भी किया, पैसे भी लिए, फिर भी केस बिगड़ता चला गया, और तो और घर वालों से पूछे बिना ही एम्बुलेंस से सिवड़ी हॉस्पिटल भेज दिया, जहां इलाज के अभाव में अनीता की मौत हो गई। क्यों, मेरी बेटी बीमार रहती तो मैं किसी को नहीं दोषी थी कि मेरी बेटी खाली सुबह एडमिट किया, शाम तक क्यों ये लोग ने उड़ा दिया। उनको अभिजीत सर को, बंगर साहब को भी फोन किया कि सर कृपया कीजिए, मेरी बेटी का इलाज चालू करवा दिया, उसको करोना नहीं है, तो वो सर का भी कोई रिफ्लेंस नहीं आया, क्योंकि मैंने सीओ सर को भी मैंने फोन किया, बंगर सर को भी फोन किया था 12:30 बजे कि प्लीज़ मेरी बेटी को आप इलाज चालू करवाई, क्यों इलाज चालू नहीं, मैं क्यों नहीं आती, करुणा बोलती शाम तक क्यों रखा, 12 घंटा के बाद मेरी बेटी को धक्का मार के क्यों निकाला इधर थी अस्पताल, ये बोल रही डीवाई पाटिल वाला अस्पताल के लिए गरीब के लिए कोई जगह नहीं है क्या, पैसे वाला कहीं है तो उसकी थी उधर थी बोर्ड नगर पालिका वाला उधर थी हटा लो बोर्ड कि नहीं ये पैसा वाला का ही है उधर ऐसा बोर्ड लगा दो। जिस दिन हमारी बेटी को एडमिट किया था वो टाइम पे भी हम लोगों ने अभिजीत बांगर साहब को फ़ोन किया था 12:30 बजे, 2 बार फ़ोन किया, उसने कोई जवाब नहीं दिया, हमारे को मैसेज भेजा है, तो हमने बोला कि हमारी बेटी को कोरोना नहीं था तो जनरल वार्ड में शिफ्ट क्यों नहीं किया, और जब हम लेके जा रहे तो हमको लेके जाने क्यों नहीं दिया, लास्ट में उसने 12 घंटे में वहाँ तो वो कोरोना वार्ड में रख के उसको जेर का इंजेक्शन दे के दूसरी जगह ट्रांसफ़र क्यों किया मेरी बेटी का। अनीता के माता पिता ने हॉस्पिटल पर यह खुला आरोप लगाते हुए कहा, डॉक्टरों ने उनकी बेटी को इंजेक्शन देकर मार डाला है। परिजन मुंबई के सिवड़ी हॉस्पिटल को भी दोषी बता रहे हैं, जहां डीवाई पाटिल हॉस्पिटल ने अनीता को रेफर किया था। परिजनों ने मनपा आयुक्त और हेल्थ मिनिस्टर से शिकायत कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। यहां के कमिश्नर, पुलिस आयुक्त कमिश्नर है, उनके पास भी शिकायत की है, महानगर पालिका का अभिजीत बांगर साहब है, उनके पास भी शिकायत की है, जो ये डॉक्टर राहुल सीओ है, गड़गे मैडम है, ओमकार है, सिद्धेश है, और साई प्रसाद खेरा दे, जो मेरी बेटी को जहर का इंजेक्शन दिया है, इनके ऊपर स्टिक ये होना चाहिए, इनका लाइसेंस जब्त करे और वो नौकरी से उसको निकाल दे और इनको जेल की सजा होनी चाहिए, सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है, ताकि दूसरे के बच्चे के ऊपर ऐसी ना हो और हमारी बेटी के साथ हुआ ऐसा किसी की बेटियों के साथ ना हो। उद्धव सरकार को भी बोल रही सर आप आगे आके मेरी बेटी को न्याय दिलाए, हमारे जैसे कितने लोग हो गए कि बेचारे खबर गए तो ठीक है, हम लोग ने देखा, हमारी नजरें थी, हम लोग सब साथ में ही था शाम तक कि मेरी बेटी को ऐसा किसी की बेटी के साथ नहीं होगा, इसलिए क्योंकि मेरी बेटी तो मर गई सर अब वापस नहीं आएगी, पर दोबारा कोई दूसरी बेटी के साथ थी है, जो गरीब की बेटी मर गई मैं उसके साथ हमेशा रही हूँ। फिलहाल अनीता के माता पिता अपनी लाडली की मौत की जाँच करवाना चाहते हैं। इस मामले में डीवाई पाटिल हॉस्पिटल के डॉक्टर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन अनीता के माता पिता अपनी लाडली की मौत पर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कार्रवाई के लिए लिखित अर्जी देकर दोषियों के लिए सजा की मांग की है, लेकिन 2 महीने बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। परिजन चाहते हैं कि आरोपी हॉस्पिटलों की जानलेवा मनमानी रोकी जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो, ताकि फिर कोई अनीता ऐसे न मरने पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।